आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जमशेदपुर के पोटका में कोरोना मरीज पाए जाने की खबर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दहशत का माहौल बन गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अविलंब दोनों परिवार के 16 लोगों का सैंपल लेकर एमजीएम जांच के लिए भेजा गया था। जांच में सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय दावड़िया द्वारा मीडिया के साथ खास बातचीत में कहा कि अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। कोरोना के मरीज अभी तक पोटका में नहीं पाए गए हैं, सभी सहयोग करें। आपको बता दें कि पिछले दिनों बंगाल के झाड़ग्राम से आई हुई महिला का कांतिलाल अस्पताल में डायलिसिस के लिए लाया गया था। डायलिसिस से पहले कोरोना की जांच की गई, जांच के दौरान पॉजिटिव पाए जाने पर महिला को तत्काल बंगाल भेज दिया गया। वहीं जहां पोटका में महिला ठहरी हुई थी, वहां के दो घरों के 16 लोगों को होम क्वारंटाइन करते हुए उसका सैंपल जमशेदपुर एमजीएम भेजा गया था, जहां जांच रिपोर्ट सभी की नेगेटिव आने के बाद गांव में खुशी की लहर है। आम लोगों से अपील है कि आप लोग अनलॉक डाउन 2 का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। तो सैंपल लिया गया था, पॉजिटिव था। वहाँ बंगाल में झाड़ग्राम में जाके 20 तारीख को उसने कोविड-19 का जांच करवाई और जांच रिपोर्ट जो है वहाँ भी वो नेगेटिव है। तो इसीलिए ये अफवाह फैलाने का आवश्यक नहीं है। अफवाह फैलने से आदमी डरता है। मेरे अपील है कि ये अफवाह से दूर रहिए, डरने की बात नहीं है। इसमें सब नेगेटिव है, अभी भी लोग होम क्वारंटाइन में है। जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक बार जांच करवा के सबको दिखा देंगे। तो इसमें हम लोग गांव में जाके सबको समझा के भी आए हैं, डरने की बात नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई अफवाह फैलाते हैं और इस टाइप का कार्य करते हैं तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कोराडिया में एक बंगाल से एक लेडी आई हुई थी डायलिसिस करवाने के लिए, वो डायरेक्ट टू कांतिलाल गांधी हॉस्पिटल में विष्णुपुर में गई थी। वहां डायलिसिस पहले 16 तारीख को उसका सैंपल लिया गया था, 16 जुलाई को सैंपल लेके उसको डायलिसिस करके उसको छोड़ दिया गया था। 18 तारीख को उसको रिपोर्ट आता है, कोई पैथ काइंग बोल के कोई प्राइवेट में उसको कराया गया था, वहां से उसको रिपोर्ट आता है पॉजिटिव। घर वाले को खबर किया गया है कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आने के बाद हम लोग के यहां से वैसे खबर मिला, यहां से हेल्थ स्टाफ जाके उसको टोटली उसको होम क्वारंटाइन, टोटल आदमी को होम क्वारंटाइन कर दिया। और उसके साथ एक आदमी वहां इंजेक्शन देने के लिए आए थे, उस परिवार को भी टोटली होम क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर मेडिकल की टीम के साथ वीडियो सब के साथ हम लोग गए वहां, कल जाके फिर 16 आदमी को, एक परिवार में 9 आदमी को, दूसरे परिवार में 9-7 आदमी को ये किया गया है, सैंपल जांच किया गया है। जांच के दौरान आज उसका रिपोर्ट जो है, उसका टोटल लोगों का रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। दूसरी ओर जिस महिला का